हाय, आई एम मुनीजा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे एडवोकेट अंजलि अवस्थी की, जिसमें हमने देखा कि अभय जो है वो गिनी से कहता है कि वो अंजलि के नाम से प्यार करता है, मतलब ये कि वो अंजलि को ऐसा नहीं जानता है लेकिन उसके नाम से प्यार करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गिनी जो है उसका गृह प्रवेश हो रहा है, तो चलो इस पर बात करते हैं। अंजलि में हो रहा है एडवोकेट अंजलि अवस्थी में कि जो है अभय जो है वो तो अंजलि से प्यार करता है मगर उसे पता नहीं है अंजलि कौन है और गिनी से उसका क्या रिश्ता है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं क्योंकि उनके भाई को भी हमने देखा बोलते हुए कि आप भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं करके, और फिर यहाँ वो घर प्रवेश भी हो रहा है। तो ये सब क्या माजरा है, क्या बोलोगे इसके बारे में? मुझे लगता है शी इज ट्राइंग टू मेक अ प्लेस फॉर हर सेल्फ इन दैट हाउस। वैसे तो उतना क्लियर नहीं बताया है हमें या दिखाया है हमें, बट मुझे लगता है पर्सनली जिस तरीके से फैमिली मेंबर्स भी उसको देख रहे होती है, ओनली शी इज हैविंग दैट विक्टोरियस स्माइल ऑन हर फेस, एक जो ग्रिन है ना कि मैंने सब कुछ हासिल कर दिया, नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड सेज, मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। एंड आई फील कि ये जो अभी युवराज और पद्मा का जो केस चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी प्लानिंग चाहिए था, लगता है कि गिनी ने अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है जिसकी वजह से शी इज डिमांडिंग दैट शी गेट्स द रिस्पेक्ट दैट शी डिजर्व्स, शी बी एक्सेप्टेड एज द बहू ऑफ द हाउस या जो भी है। फॉर सोसाइटी शी इज द बहू ऑफ द हाउस, शी इज लिविंग विद देम, बट उस घर में nobody has accepted her, forget the rest of the people, even Abhay has not accepted her, क्योंकि उसने छल से शादी की है। जहां तक अंजलि और गिनी की जो बात है, जहाँ पे उनके बीच में एक टशन चल रहा है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि तूने तो आज तक जो भी पाया है शर्तों के दम पे पाया है, तो आज रात वो सब कुछ स्वाहा ना हो जाए, तो मुझे लगता है जो गिनी का आखिरी पड़ाव है विच इज युवराज एंड पद्मास वेडिंग, वो शायद रात को होने वाला है, क्योंकि हम अब तक हमने देखा है कि शादी हुई नहीं है। गिनी अपनी प्लानिंग कर रही है, अंजलि अपनी प्लानिंग कर रही है मीडिया के साथ की एक्सपोज करना है एंड ऑल दैट, तो मुझे लगता है रात तक अब सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से वो बोल रही होती है कि स्वाहा हो जाएगा, मुझे लगता है कि शी इज ऑल सेट टू, इनकी जो प्लानिंग है उसके ऊपर पानी फेरने के लिए वो तैयार हो गई है। और हम देखते हैं कि गिनी थोड़ी अपसेट है उस बात को लेके, तो देखते हैं क्या होने वाला है, गिनी को मात मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि शर्तों पे चीजें हासिल करना ईजी हो जाता है कि आप अपने एक फायदे के लिए कुछ भी हासिल करो, छल करो, कपट करो, ये सब बहुत ईजी हो जाता है, मगर उसकी वैलिडिटी बहुत छोटी हो जाती है। It doesn't stay forever. You will have to lose it अगर आपने खुद से वो कमाया नहीं है। अभय का प्यार उसने कमाया नहीं है, उस घर में उसकी इज्जत उसने कमाया नहीं है। She's demanding them to give it to her. तो कितना चलेगा वो देखने में मजा आएगा कि कैसे चीजें आगे जाती है। अंजलि का वापस से जीतना या फिर गिनी का मात खाना या जो भी है, whatever is going to happen, the drama is going to be interesting to watch. So let's बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारा छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें एडवोकेट अंजलि अवस्थी ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। हाय, आई एम अदिति शर्मा, यू वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए।